दोस्तों स्वागत है वायरल ऑमलेट के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रभास की अपकमिंग मूवी सलार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सलार मूवी से जुड़ी बहुत सी अपडेट निकल कर आया है, क्या है अपडेट बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वायरल ऑमलेट चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में लाता रहता हूँ। तो दोस्तों पहला जो अपडेट है आप लोगों को बता देता हूँ, सलार मूवी की शूटिंग बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है और कुछ कुछ तस्वीरें और वीडियो सलार मूवी के सेट से वायरल हुआ है। क्लाइमैक्स शूट के दौरान भी कुछ तस्वीरें हमारे सामने आया है और लगभग 50% खत्म हो चुका है शूटिंग, और बाकी के शूटिंग के लिए ये लोग 6 महीने का शेड्यूल रखने वाले हैं, और जो कि शूटिंग होने वाला है इटाली में। और दोस्तों सेकंड जो अपडेट है सलार मूवी के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को लेकर, पहला है पृथ्वीराज सुकुमारन एज वरदा राजा मन्नर, दूसरा है श्रुति हसन एज अध्या, तीसरा है जगपति बाबू एज राजा मन्नर, चौथा है ईश्वरी राव जो कि प्रभास की माँ का रोल प्ले करने वाली है सलार मूवी में। और दोस्तों रिसेंट एक न्यूज सामने आया है, कांतारा मूवी के एक्टर नवीन बोंदेल को एक रोल के लिए साइन किया गया है। कौन सा रोल के लिए ये नहीं पता चला है, जब भी पता चलेगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा ये वाला न्यूज। और दोस्तों थर्ड जो अपडेट है सलार मूवी का टीजर रिलीज डेट। दोस्तों अभी तो सलार मूवी का शूटिंग पूरा खत्म नहीं हुआ है, लगभग 50% और बाकी है, तो पूरा खत्म होते होते लगभग 2023 के अगस्त महीना तो आ ही जाएगा। तो शायद ऐसा हो सकता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में टीजर या ट्रेलर देखने को मिल जाए। दोस्तों अभी ये वाला न्यूज तो पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि सितंबर के 28 तारीख को सलार मूवी रिलीज हो रहा है, तो लगभग 3 हफ्ते का गैप तो रखने ही वाले है टीजर या ट्रेलर रिलीज होने के बाद। तो दोस्तों यही था अपडेट, आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे, जय हिंद दोस्तों।